स्वागत है जम्बोजन के उड़ान आईएएस एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में। थंबनेल देख के आप जान गए होंगे, इस वीडियो में हम प्रदेश के जो 31वां जिला के रूप में अस्तित्व में आया है, खैरागढ़ छुई खदान गंडई, इस पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि 3 सितंबर 2022 को अस्तित्व में आया है 31वां जिला के रूप में। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक नई सूचना है, उड़ान आईएएस एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी शिक्षक भर्ती के लिए एक नई बैच लेके आ रही है, जो कि ऑनलाइन, ऑफलाइन तथा रिकॉर्डेड होगा। इसकी विशेषता यह है कि यह क्लासेस आपको रिकॉर्डेड वीडियो के साथ प्रोवाइड की जाएगी, क्लास का पूरा पीडीएफ आपको दिया जाएगा और साप्ताहिक टेस्ट का भी आयोजन इसमें किया जाएगा। यह बैच जो है वो 20 सितंबर 2022 से शुरू किया जा रहा है, जिसका समय होगा सायंकालीन 5:30 बजे से 8:30 बजे के बीच। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इन नंबरों पर। तो बढ़ते हैं हम अपने जिला की ओर, जो आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा है खैरागढ़ छुई खदान गंडई। आप जानते हैं कि इस जिला का जो गठन हुआ है प्रदेश के 31वें जिला के रूप में हुआ। सबसे पहले चीज आपको यही जानना है कि यह प्रदेश का 31वां जिला होगा, और जिसका उद्घाटन की अगर बात करें, जिस दिन अस्तित्व में आया वो डेट है 3 सितंबर 2022। जैसे आपने वीडियोस देख लिए होंगे दो जिलों की, 29 और 30वां नंबर का, तो अब बात हो रहा है इसी पर, उन्हीं पॉइंट्स को लेकर जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं इसमें, एक ये रफ मैप है, मतलब जो खैरागढ़ छुई खदान गंडई जो जिला बना है उसमें का जो ये मैप है, ये उसी जिला का मैप है। तो हम देखेंगे इसको एक रफ मैप के माध्यम से। जिला है खैरागढ़ छुई खदान गंडई। ये जिला है खैरागढ़ छुई खदान गंडई, जिसके सीमा की बात करें तो इसके दक्षिणी सीमा में लगा हुआ है, जहां से ये टूट के बना है वो है राजनांदगांव। इसका पूर्वी सीमा लेगा दुर्ग तथा बेमेतरा, पूर्वी सीमा का निर्धारण करेगा, जबकि इसके उत्तरी सीमा का निर्धारण करेगा वो है कबीर धाम। अगर हम सीमावर्ती जिलों के रूप में देखें तो इसके सीमावर्ती जिले होंगे ये चार। अगर मैं सीमावर्ती राज्य की बात करूं तो इसका सीमावर्ती राज्य होगा मध्य प्रदेश। तो पॉइंट्स वही है जो अन्य जिलों को आप देखे हैं। गठन की हम बात करें, कब गठित हुआ आप अच्छे से जानते हैं। जिला का गठन जो है वो 3 सितंबर 2022 को हुआ है। 3 सितंबर 2022 प्रदेश के 31वें जिला के रूप में अस्तित्व में आया है। जिला का क्रमांक है स्थापना में 31वां, 29वां मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, 30वां सारंगगढ़ बिलाईगढ़ और 31वां खैरागढ़ छुई खदान गंडई। अगर इसके जिला मुख्यालय की बात करें तो जो जिला में पहला नाम लिखा हुआ है खैरागढ़, इस जिला का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होगा, खैरागढ़ जिला का मुख्यालय है। अगर हम सीमावर्ती राज्यों की बात करें तो एक राज्य इसके साथ सीमा साझा करती है, वो है मध्य प्रदेश। अगर आप पहला वीडियो देखे होंगे जिस पर हम छत्तीसगढ़ में परिवर्तन पर बात किए हैं। और अगर जिलों की बात करें तो चार जिला है, कबीरधाम, एंटी क्लॉकवाइज देखें तो कबीरधाम, फिर है बेमेतरा, फिर दुर्ग, फिर नीचे पड़ेगा राजनांदगांव। चार जिलों की सीमा है। इस जिला में अगर विकास खंड की बात किया जाए तो विकास खंड आप जानते हैं प्रदेश में 146 है, 146 में से 2 विकास खंड इस जिला में पड़ेगा। अब 2 विकास खंड कौन कौन से है ये आपको जानना है। तो 2 विकास खंड में शामिल है, एक तो है आपका ये खैरागढ़, यहाँ का एक विकास खंड होगा, और दूसरा विकास खंड होगा यहाँ छुई खदान। 2 विकास खंड होगा, खैरागढ़ और छुई खदान। बात करें अगर इसमें आगे प्रशासन को लेकर, तो प्रशासन में हम एक पॉइंट देखते हैं, वो है नगर पालिक निगम। प्रदेश में नगर निगमों की संख्या है 14। इस जिला में कोई भी नगर निगम नहीं है। अगर हम विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो विधानसभा क्षेत्र आएगा ही, तो विधानसभा क्षेत्र प्रदेश में 90 है, 90 में से एक विधानसभा यहां पड़ेगा वो है खैरागढ़। खैरागढ़ इस जिला में एक विधानसभा क्षेत्र। और हम देखते हैं जब पढ़ते हैं पूरे प्रशासन को, तो विधानसभा जब पढ़ते हैं तो देखते हैं कि प्रदेश में
प्रदेश में टोटल 90 विधानसभा क्षेत्र है, ये आप सब जानते हैं। अभी जो हमारी विधानसभा है वो पांचवी विधानसभा है, और इस पांचवी विधानसभा में मैं अगर विधायक की बात करूं पुरुष और महिला लेके, तो पुरुष विधायक है 75 और महिला विधायक है 15। तो जब मैं जिलों को इंट्रोड्यूस करता हूं तो मैं बात करता हूं महिला विधायकों की। और ये खैरागढ़ इसलिए भी विशेष है क्योंकि अभी आप सुने होंगे रिसेंटली यहाँ बाई इलेक्शन हुआ है, उपचुनाव हुआ है, तो इसलिए भी जानना है। यहाँ विधायक थे देवव्रत सिंह, उनके निधन के पश्चात यहाँ उपचुनाव कराया गया जिसमें कांग्रेस के विधायक ने विजय प्राप्त किया है, उनका नाम है क्या, यशोदा वर्मा। तो यशोदा वर्मा जी यहाँ से विधायक है। तो यशोदा वर्मा एक फीमेल MLA, और इस इन्हीं के चुनाव के साथ ही विधानसभा में महिलाओं की संख्या जो है वो 15 हो गई है। तो यशोदा वर्मा खैरागढ़ से है। अब बताने का पर्पस ये है कि जब भी जिला पंचायत का गठन होगा यशोदा वर्मा जी जो कोई भी हो, ये नहीं हो तो अगला विधानसभा जब भी चुनाव हो कोई जो भी विधायक होगा वो इस जिला पंचायत का पदेन सदस्य होगा, उनके बैठकों में भाग ले सकता है, बोल सकता है, केवल मत का अधिकारी नहीं होगा। इस पर्पस से बताता हूं मैं इसको। अब कोई ना कोई लोकसभा का हिस्सा होगा ही, लोकसभा प्रदेश में है 11, उसमें से एक लोकसभा का नाम है राजनांदगांव, और राजनांदगांव लोकसभा में विधानसभा की संख्या होती है 8। 8 विधानसभा को लेकर इस लोकसभा का गठन, और उसमें से यह जो लोकसभा है वो अनरिजर्व है। जो हमारे राज्य में 11 लोकसभा है उसमें से आरक्षण की बात किया जाए आर्टिकल नंबर 330 के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 में बताया गया है कि लोकसभा में जनजाति और जाति वर्ग को आरक्षण मिलेगा, जिसमें से हमारे यहाँ 11 में से 4 जो है वो जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है, 1 जो है वो जाति वर्ग के लिए आरक्षित है, बाकी 6 जो है वो अनरिजर्व है। तो ये राजनांदगांव एक अनारक्षित लोकसभा क्षेत्र है। कहने का मतलब ये, अगर ये यहाँ का जो जिला का जो विधानसभा क्षेत्र खैरागढ़ है वो इस लोकसभा का हिस्सा है, तो जब भी यहाँ जिला पंचायत का गठन होगा जो भी राजनांदगांव लोकसभा का सांसद होगा इस जिला पंचायत का पदेन सदस्य होगा, इस पर्पस से बताया गया है। अगली कहानी हम इंट्रोडक्शन में देखते हैं, तो देखते हैं वो है आपका शिक्षा, और शिक्षा में पहले बात होता है हायर एजुकेशन की, और प्रदेश में हायर एजुकेशन के अकॉर्डिंग राजकीय विश्वविद्यालय है 9, और 9 में से एक राजकीय विश्वविद्यालय जो कि प्रदेश का पहला राजकीय विश्वविद्यालय था खैरागढ़ हमको दिखेगा, यही खैरागढ़ में एक यूनिवर्सिटी है, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है इस खैरागढ़ में, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय जो कि प्रदेश का पहला यूनिवर्सिटी है, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय राजकीय विश्वविद्यालय है ना, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इस खैरागढ़ में पड़ेगा, जो कि प्रदेश का पहला यूनिवर्सिटी है। 14 अक्टूबर 1956 को इसकी स्थापना 1956 प्रदेश का पहला यूनिवर्सिटी है इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय। 14 अक्टूबर 1956 को इसकी स्थापना, आप जानते हैं ये भी है, मैं आगे चल के बताऊंगा भी, ये खैरागढ़ एक रियासत था, इस रियासत के अंतिम राजा थे वीरेंद्र बहादुर सिंह, और वीरेंद्र बहादुर सिंह जी की एक दिवंगत पुत्री थी जिनकी स्मृति में इस यूनिवर्सिटी का नाम पड़ा है, उनका नाम था इंदिरा सिंह। तो इस यूनिवर्सिटी का जो नाम है वो उस रियासत के राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह की पुत्री के नाम पर है, इंदिरा सिंह के नाम पर इस यूनिवर्सिटी का नाम। और वर्तमान इसको करेंट से जोड़ के आप याद रख लेंगे, इसके कुलपति जो है वो है ममता चंद्राकर जी, जो कि छत्तीसगढ़ की एक प्रसिद्ध लोक गायिका है, जिनको वर्ष 2016 में सम्मानित किया गया है पद्म श्री से, वो कुलपति है 2020 से। खैरागढ़ प्रदेश का पहला राजकीय विश्वविद्यालय, 14 अक्टूबर 1956 को इसकी स्थापना, वो ध्यान देना है। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, प्रदेश में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय की संख्या है 10, 10 में आपको एक भी नहीं दिखेगा। प्रदेश में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की संख्या है 3, 3 में आपको एक भी नहीं दिखेगा। ये एक जनरल इंट्रोडक्शन है, इस पूरे पॉइंट्स में आपको ध्यान देना है, वो कहानी है आपका, एक तो यहाँ विकासखंड 2 है खैरागढ़ और छुईखदान, और दूसरा बात ध्यान देना है वो है शिक्षा को लेकर, खैरागढ़ में एक यूनिवर्सिटी है इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय जो कि प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है। यहां से दो चीज हमारे काम के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जैसे हमने आपको बताया क्या, सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला मोहला मानपुर जिला आप देखे होंगे वीडियोस, तो उसमें हमने इंट्रोडक्शन का पॉइंट लिया था, एक पॉइंट लिया था वो है आपका परिवहन, दूसरा पॉइंट लिया था वो है आपका
अपवाह तंत्र, और तीसरा पॉइंट लिए थे वो है वन्य जीव। तो परिवहन की बात की जाए तो यहाँ से, अब मैं परिवहन केवल इसलिए बताता हूँ ताकि उस सड़क के माध्यम से, नेशनल हाईवे या कोई भी हो, रेलवे के माध्यम से क्या याद हो जाए, लोकेशन। यहाँ से कोई नेशनल हाईवे पास नहीं होता है, नेशनल हाईवे की बात कर रहा हूँ भाई, सड़क जाते हैं, स्टेट हाईवे मेरे काम का नहीं है। तो लोकेशन आपको बता दिया गया, चार लोकेशन तहसील है, दोनों लोकेशन के नाम से यहाँ विकास खंड, कहने की मतलब दो जनपद पंचायत इस जिला में है। अब ये नारायणपुर के साथ मिनिमम जनपद पंचायत वाले जिला के समकक्ष हो गया है। नारायणपुर में भी दो ही जनपद पंचायत है, विकास खंड है, एक विकास खंड का नाम है अबूझमाड़, दूसरे विकास खंड का नाम है नारायणपुर। यहाँ भी दो विकास खंड है, खैरागढ़ और छुई खदान। अब बात यह है कि ड्रेनेज को लेकर ध्यान देना है। ड्रेनेज की अगर बात किया जाए तो इस जिला से मैकल पहाड़ी से निकल के एक नदी बहती है, मैकल की पहाड़ी से निकल के एक नदी बहेगी जो कि कबीरधाम जिला से निकल के आती है, और ये खैरागढ़ छुई खदान क्षेत्र को हटाते हुए जाके दुर्ग में शामिल होगी, शिवनाथ में। नदी का नाम है आमनेर। मैं कहने का मतलब ये बताना चाह रहा हूँ कि यह जो है वो महानदी तंत्र का हिस्सा है, ये जो जिला है वो महानदी तंत्र का हिस्सा है, और इसी आमनेर नदी के किनारे बसा हुआ है ये खैरागढ़। खैरागढ़ एक बैंक ऑफ सिटी है जिसके किनारे से, साइड से एक नदी गुजरती है, प्रमुख नदी है आमनेर, ये आपको जानना है। ये सहायक है किसकी, तो शिवनाथ में जाके मिलेगी दुर्ग में, और शिवनाथ जाके मिलेगी महानदी में, और तंत्र हम पढ़ते हैं महानदी अपवाह तंत्र। तो ध्यान में रखेंगे आप आमनेर नदी का प्रवाहित क्षेत्र है, और होंगे कई नदी नाला, नरवा ढोड़गा में मेन पर बात कर रखा हूँ जो तो एग्जाम के काम के हो सकते। अब यहाँ से कुछ पॉइंट से जिला आप मतलब जानना है एग्जाम के दृष्टिकोण से, जिमें लोकेशन पढ़ी, एक तो हमला पढ़ना है छुई खदान, स्क्रीन में आप मन के दिखत हुई, ये छुई खदान ला जानना है, खैरागढ़ ला जानना है, वो गंडल जानना है, जेकर नाम से जिला का नाम पढ़े, तीनों लोकेशन हमारे काम के। तो खैरागढ़ तो आप मतलब बताए छो अभी कि खैरागढ़ है क्या, पहले रियासत रहा है, आप पढ़ेंगे इसी खैरागढ़ रियासत के नागवंशी राजपूत का शासन रहा, यहाँ नागवंशी राजपूत खैरागढ़ से शासन की, और खैरागढ़ ही हमन पढ़वो जब एकर संस्थापक राजा कौन, खैरागढ़ रियासत के संस्थापक राजा हरे लक्ष्मी निधि राय। एकर उल्लेख जब हम छत्तीसगढ़ राज्य बनाथन तब आते ये रियासत के संस्थापक राजा, पहली ये जमींदारी रही हुई 1865 में सनद मिले रियासत के, तो लक्ष्मी निधि राय एकर संस्थापक राजा है। और यही लक्ष्मी निधि राय के बारे में कहानी जब हम पढ़थन राज्य निर्माण के, तब पढ़थन एकरे दरबारी कवि रही से कौन, दलराम राव, ओकरे उल्लेख मिली दलराम राव, जे खैरागढ़ रियासत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ शब्द के प्रयोग करे रही से, उही हम बन पढ़बो, उही खैरागढ़ रियासत है, लक्ष्मी निधि राय कर संस्थापक और ओकर राज कवि दलराम राव या दरबारी कवि जो उल्लेख करी छत्तीसगढ़ जब छत्तीसगढ़ राज्य बना था तब पढ़थन। अभी बताऊ आप मतलब इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय है, यहाँ प्रदेश के पहला विश्वविद्यालय, राजकीय विश्वविद्यालय 9 में से एक हरे, तो खैरागढ़ तो मैं इंट्रोड्यूस कर रहे हूँ, जिला के मुख्यालय हरे की के। अब आप मतलब में जानना है वो हरे ये खैरागढ़ के सुनी रहे कहानी, लक्ष्मी निधि राय संस्थापक राजा, ऊपर से जुड़े हैं दलराम राय, ठीक। एक जानना है गंडई जहाँ प्राचीन शिव के मंदिर है, अब ये जानना है छुई खदान। तो गंडई की कहानी, एक प्राचीन शिव मंदिर है यहाँ स्थित है, शिव मंदिर गंडई को जानना है, छुई खदान को जानना है, दो प्रमुख ऐतिहासिक घटना, क्योंकि छुई खदान जो है ये भी एक रियासत रहा है ब्रिटिश काल में, और इस रियासत का संबंध जो है वो बैरागी वंश से है, बैरागी वंश से संबंधित रियासत है। जब हम 14 रियासतों का इतिहास देखते हैं तो बात आता है इस छुई खदान रियासत, और यही हम पढ़ते हैं 1938 में जंगल सत्याग्रह हुआ था, 1938 का जंगल सत्याग्रह छुई खदान रियासत क्षेत्र से। और दूसरा बात आता है लगान बंदी आंदोलन की, 1939 में किसान आंदोलन होता है छुई खदान से, जिसको लगान बंदी आंदोलन के नाम से हम जानते हैं, लगान बंदी आंदोलन, राम नारायण मिश्र जी का हम नाम यहाँ पर सुनेंगे लगान बंदी आंदोलन के रूप में। तो आपको केवल जानना है लोकेशन, मैं ये इंफॉर्मेशन इसीलिए देता हूँ ताकि आप लोकेशन को किसी कारणवश याद रख सके। अब ये जान गए कि रियासत था तो हो सके आपको रियासत के रूप में याद हो जाए,
ये जान गए कि यहाँ घटना घटी लगान, किसानों का आंदोलन लगान बंद कराने के लिए, ये जान गए कि जंगल कानून के उल्लंघन के लिए यहाँ के लोग जो है आंदोलन कर दिए थे जंगल सत्याग्रह, तो किसी न किसी कारणवश आप जान सके इसलिए इन्फॉर्मेशन है। बाकी ये सब हिस्ट्री का विषय है, आपको लोकेशन जानना है। कल के डेट में आपको पूछेगा छुई खदान कहाँ स्थित है, तो आप ये बता सके। ऐसे तो जिला के नाम में आपको दिख ही जाएगा खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, लेकिन आपको लोकेट भी तो होना चाहिए कि छुई खदान है कहाँ। ये है भैया आपका खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जिला, जो कि 3 सितंबर 2022 को प्रदेश के 31वां जिला के रूप में अस्तित्व में आए हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिए, ताकि यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचे और उनको सही जानकारी प्राप्त हो सके इस जिला से संबंधित, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में 32वां जिला के साथ, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।